गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास आपकी फिजिक्स की भी बहुत छोटी सी होने वाली है। मैथ्स की 16 मिनट की हुई, फिजिक्स की हमें लगता है 20 मिनट की होगी। क्यों? क्योंकि जितने मुझे डाउट बताने थे भाई अनुज ने वही वाले सवाल हमारे पास पहले से भेज दिए। हम वो शुरू करने जा रहे थे तब तक अनुज ने भेज दिया, बस वही मुझे डिस्कस करने से। तो मुझे लगता है कि आज का काम बहुत भारी नहीं है, और कुछ सवाल एक दो मोनिका ने भेजे हैं। एक्सरसाइज का एक 48 नंबर है, मैं इसका डिस्कशन कर देता हूँ। इसी के सबसिक्वेंट में 49 भी बहुत बढ़िया सवाल है, मैं 48 पढ़ता हूँ अपनी किताब में। जवाब जब ये वीडियो देखने बैठा करो तो अपनी किताब भी लेके बैठा करो। अगर आपका वो डाउट है तो आप भी डिस्कस कर लें, और आपका लग गया तो आप उसे स्किप कर लें, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर प्रतिरोध के विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं। देखो मोनिका, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर प्रतिरोध यानी R, R और R, ये विद्युत मेंस में लगाए गए यानी एक वी वोल्ट के वोल्टेज से कनेक्ट किए गए। हाँ, विद्युत मेंस यानी वी वोल्ट का वोल्टेज। तो हुआ क्या कि इसने पावर कंज्यूम किया 10 वाट, दोनों तीनों सीरीज में लगे थे। तो P बराबर, मैंने एक सुंदर सा फार्मूला बताया, V स्क्वायर बाई R। तो तीनों सीरीज में थे बाबू, तो R R R की सीरीज 3R हो गई। पहली इन्फॉर्मेशन से पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब बोला अगर इन्हीं तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता, इन्हीं तीनों प्रतिरोधों को R R R जो कि थे इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता, वही वाला मेंस जो पहले लगाया था वी वोल्ट का वो अभी भी लगाया जाता, तो व्हाट इज द न्यू पावर? तो नई पावर फिर P हो जाती, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इज इक्वल टू, तो वोल्टेज हुआ तो बेटा वही है। और R कितना, तीनों R R R पैरेलल में आ गए हैं राजा बेटा, तो इनकी इक्विवेलेंट R बाई 3 हो जाएगी। इतना तो ट्रेंड हो गए हैं अब आप। ये देखिए, ये है फिजिक्स का करिश्मा कि आप किसी सवाल को पैनिक लेके बैठे हैं वो सिर्फ 10 सेकंड में हल होने वाला ही, 90 वाट आपका सवाल फिनिश हो गया। मोनिका, आपका क्वेश्चन नंबर 48 इज फिनिश। चलिए 49 की ओर बढ़ते हैं, वो हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, बेहतरीन सवाल है, मैं आपको लगा के बताना चाहता हूँ। ये तो सरल सवाल था, हालांकि ये सवाल भी अच्छों का फंस जाता है, जो बच्चे लगाने बैठते हैं मन से लगाने बैठेंगे तो सवाल दो सवाल फंसेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 बेटा, बढ़िया एकदम प्रीमियम रेंज सवाल है। कहता है एक वैद्युत मोटर है, देखिए ये एक मोटर है, एक वैद्युत मोटर है जिसका अपना खुद का प्रतिरोध 2 ओम है। मोटर की जो वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध 2 ओम है। जब इस मोटर को 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू करते हैं, सवाल पढ़िएगा बहुत सुंदर सवाल है, 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू करते हैं तो ये पूरी ताकत पर पूरी चाल पर अपने यह 10 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 10 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। तो पहला प्रश्न पूछा है जो कि बहुत आसानी से लग गया होगा, इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है? तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमें लगता है जो बच्चे छोटा भी कंसेप्ट पढ़ के आए, P बराबर वी आई, वी है आई है, पहला आंसर आपने देखा वह भी आ ही गया होगा, 1100 वाट पूरी चाल पर कितनी शक्ति ले रहे। लेकिन इसका दूसरा पार्ट बिरले ही लगा पाते हैं, कुछ लोग पहला जैसे आ जाता है तो ऐसे जानबूझ के छोड़ के भाग जाते, बोले आ गया अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये बेवकूफ़ी ना करें, तमाम ऐसा करेंगे, पहला पार्ट P बराबर वी आई आया आ गया चलो छोड़ दो, लेकिन दूसरा पार्ट नहीं लगा पाते हैं, ना जाने कितने 95% लोग इसका दूसरा पार्ट नहीं लगा पाते हैं। कह रहा कितनी विद्युत शक्ति लग रही है, मिल गया। कह रहा इसका कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है? तो समझो पहले, जो मोटर का प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मैंने काम बताया था केवल लॉस करना है, प्रतिरोध कुछ नहीं करता सिर्फ और सिर्फ लॉस करता है। जैसे मोटर जब चलती है तो उसमें गर्म नहीं हो जाती है मोटर, तो मोटर में जो गर्म हो जाना होता है वो प्रतिरोध के कारण होता है। तो देखो प्रतिरोध ने कितना पावर लॉस कर दिया, पावर लॉस। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इस मोटर के अंदर से धारा जा रही 10 दहम 100 और R है 2, यानी कुल 1100 वाट का 200 वाट पावर तो लॉस हो जाएगा। तो कह रहा है कितना हमारे काम आए, तो आउटपुट मैकेनिकल, आउटपुट मैकेनिकल। तो तुमको पता है 1100 वाट आपकी बिजली वाले बोर्ड से इसने पावर ली थी, 200 वाट नष्ट हो गया, तो आउटपुट कितना है 900 का। आपका काम तो 900 का हो रहा है ना, तो इसका परसेंटेज निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो आपके काम में आया 900, 200 तो नष्ट हो गया ना, आपकी टोटल एनर्जी थी 1100, इसका परसेंटेज चाहने वालों के लिए खुशखबरी है, आंसर आएगा 82%।
ये था क्वेश्चन नंबर 48 और 49। ये मोनिका ने 48 दिया था, 49 मैंने खुद से बता दिया है आपको, एक्सरसाइज का सवाल था। इसके बाद किसी भाई का क्वेश्चन नंबर 22 भी है एक्सरसाइज का, मैं उसे भी डिस्कस कर देता हूँ। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं आज, जो मैं एग्जाम्पल बताना चाहता था वो अनुज ने पहले ही भेज दिए, तो मैं उन्हीं का डिस्कशन करने सीधे चल दूंगा। करा एक आर ओम का प्रतिरोध कब सुधरोगे सुअरो, 22 नंबर सवाल है, वही सवाल अगेन आ गया है। ये सवाल पता नहीं कौन भेजा है, नहीं बताया, यही मोनिका ही होगी और इसका हम करूँ घूम कर ही सकता है। आर ओम का एक प्रतिरोध है, उसकी लंबाई मुझे नहीं मालूम, परिच्छेद क्षेत्रफल मुझे नहीं मालूम। तो लंबाई को एल, परिच्छेद क्षेत्रफल को ए और रेजिस्टिविटी को रो कह दिया है। बोला इसको खींच कर इसकी लंबाई तीन गुनी कर दी जाती है, इसको खींच कर इसकी लंबाई तीन गुनी कर दिया। बहुत रुक रुक के रह रह के मैंने इस कंसेप्ट का डिस्कशन किया था, लेकिन सुअर के सुअर रह गए। मैंने कहा था लंबाई जितने गुना बढ़ जाती है परिच्छेद क्षेत्रफल उतने गुना घट जाता है। अब परिच्छेद क्षेत्रफल घट जाएगा तो नया प्रतिरोध, मैंने कहा था जितने गुना लंबाई हो जाती है उसके स्क्वायर गुना नया रेजिस्टेंस हो जाता है। चलो वेरीफाई कर लो, तो पुराना तार जो था उसका रेजिस्टेंस अगर आर होता तो आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए होता। खींच के इसकी लंबाई को तीन गुना किया गया है तो रो रो रहेगा, लंबाई तीन एल हो गई है, एरिया ए बाई थ्री हो जाएगा। आंखें खोलो, कैलकुलेशन देखो, नया रेजिस्टेंस आर डैश है वो 9R हो गया इस वाले तार का। अब आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है इसको तीन गुना खींच करके इसके तीन बराबर टुकड़े किए गए, तीन। तो तुमको पता है इस खींचे वाले तार का नया रेजिस्टेंस 3R है, जब इसके तीन बराबर बराबर टुकड़े करोगे तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा, दिख रहा होगा, हर टुकड़े का रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। तो कह रहा है इन तीनों टुकड़ों को काट करके समांतर क्रम में लगा दिया गया है, तीनों टुकड़ों को काट करके समांतर क्रम में लगा दिया गया है। देखो तीनों टुकड़ों को काट करके समांतर क्रम में लगा दिया गया है। ए बच्चा लोग तो पगले ही हो कहा भी, हाँ सभी रेजिस्टेंस 3R 3R के हैं, इनको समांतर में लगाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समांतर में निकाल लेना, फिर से आर नहीं आ जाएगा हैं कि चरस रस पिए हो। ये था एक और सवाल, ये पता नहीं किसका सवाल था, मुझे याद नहीं रहा, मैं तो उसी का नाम लेकर उसको चरस बोता। चलो अब बढ़िया सवालों की सीरीज शुरू हो गई, जो आज मैं खुद आकर बताना चाहता था। ये दो सवाल तो भेजे गए थे और बाकी अनुज ने भेजे तो हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर, लेकिन उन्हीं सवालों को आज मैं खुद ही मिशन लेकर आया था कि मैं आपको खुद चल करके बताता हूँ उन सवालों को। जरा देखिएगा ये एग्जाम्पल 46 है, बेहतरीन सवाल है, मज़ा आ जाएगी आपको। देखो आप सबका माइंडसेट हो जाना चाहिए कि अब आप क्लास 12th में आ गए हो, सिंसियर हो गए हो, सीरियस हो गए हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, मैं फीस तुमसे पूरी लूँगा, काम भी तो पूरा करूँगा। जब लोग सोया हुआ है, जब लोग सोता रहेगा तब तक सचान सर मार दिए होंगे, खेल ही ख़त्म कर दिए होंगे, अब इच्छा आपकी है। जब तक लोग सोता और इंतज़ार करता रहेगा कोरोना का तब तक सचान सर का खेल ख़त्म हो गया होगा। जानिए 5, ये कितना है 2.5 ओम है और ये लास्ट वाला भी 5 ओम का है। हमसे पूछा है इस परिपथ में शक्ति ह्रास कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट। तो परिपथ की शक्ति ह्रास यानी परिपथ का पावर लॉस P = V²R लगाना पड़ेगा। तो टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस को आपको महारथी बनना है, और हमने कोशिश भी की है इस दिशा में कि आप कभी मायूस ना हो। ये करंट तय करती है बाबू अनुज कि क्या क्या होगा इसके साथ। यहाँ से चली करंट यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, जो करंट आगे जाएगी वो इन दोनों में जाएगी, देख पा रहे होंगे आप। ये दोनों करंट पैरल, ये दोनों डिवाइड हो रही, मतलब पैरलिटी हो गई, 5-5 का पैरल 2.5 होगा। तो मैं इसको उखाड़ूँ और इसे 2.5 कहूँ और क्या, 2.5 के साथ 2.5 की सीरीज जान पड़ती है, फिर 5 हो जाएगी। इस 5 के साथ इस 5 का पैरेलल फिर से 2.5 हो जाएगा। P = V² यानी 10^100/R 2.5। आंसर जाके चेक कर लो, 40 वाट। नहीं पकड़ा, ये पैरेलल था क्यों, क्योंकि चला चार्ज डिवाइड हो गया। 5 और 5 का पैरेलल 2.5 होता है, मैं आपको शॉर्टकट दे चुका हूं कि दो रेजिस्टेंस बराबर बराबर वैल्यू को ही इक्विवेलेंट निकालना हो पैरेलिटी का तो आधा कर दें। तो 5 और 5 का 2.5 हो गया, 5 और 5 का 2.5 हो गया।
इस ढाई के साथ इस ढाई की सीरीज पांच, पांच के साथ पांच का पैरेलल फिर ढाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पाया, इक्विवेलेंट वोल्टेज मेरे पास था। आंसर निकालो, भाग लो यहां से, ये क्वेश्चन नंबर 46 था। 46 के बाद अगला सवाल एग्जाम्पल है ये बाबू, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 42 भी यहां भेजा गया है। अब सीक्वेंस क्योंकि इधर उधर हो गया है, तो पहले अगर वो 46 हो गया तो अब ये 42 आप देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लगाने बैठेंगे, आप ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, तो आपका भी ये सवाल अवश्य फंसता। कोई भी बच्चा लगाने बैठेगा तो इन सवालों पर बात जरूर करनी पड़ेगी। लो ऐसे सबको दिखाई दे रहा होगा, एक ऐसे क्रॉस क्रॉस ब्रांच है, एक ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस ब्रांच है, इन सभी जगहों पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। आपसे कह रहा है इसका नाम एक बैटरी, प्रदर्शित चित्र में ए और बी के बीच सिर्फ तुल्य प्रतिरोध चाहिए। बहुत सा सरल सा सवाल है, ए बी हमारे यहाँ है, ए बी प्रश्न में देख लीजिएगा। शायद सभी रेजिस्टेंस आर बताए गए हैं, आर 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 ऑल ऑफ आर। चलिए एक टेक्नोलॉजी बताता हूँ आपको, इसको मैंने एक चर्चा कैपेसिटर में भी करी थी कि ये सिमेट्रिक सर्किट है, यानी चाहो तो आप इसे बिल्कुल बीचों बीच ऐसे, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसे बीच में लगा हुआ है ऐसे, तो ऐसे जब आप चीरा मार दोगे तो आधा जैसा ऊपर होगा सेम सर्किट नीचे होगा। देखो ये रेजिस्टेंस ऐसे बीचों बीच ऐसे फंसा हुआ है, अगर इसको ऐसे काटा जाए तो R बाई टू ऊपर चला जाएगा, R बाई टू ऊपर, R बाई टू नीचे, R बाई टू नीचे रह जाएगा। यानी चीरा मारने पर इसे कहते हैं सिमेट्रिक सर्किट, और सिमेट्रिक सर्किट में ये पॉइंट जीरो पोटेंशियल पॉइंट या सेम पोटेंशियल पॉइंट भी कहा जा सकता है। यानी इस इधर से जाने पर इधर का पोटेंशियल, उधर से आने पर उधर का, सेम सिनेरियो बनता है। तो आप इस ब्रांच को यहां से उखाड़ करके थोड़ी सी सेटिंग कर लिए ताकि चिपकी ना रहे, थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था बना दीजिए इसकी, इसको कहते हैं सिमेट्रिक सर्किट। सिमेट्रिक सर्किट में ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, जहां पर उनकी कटिंग होती है, इंटरसेक्शन होता है, वो सेम पोटेंशियल पॉइंट होता है। वैसे जब किरचॉफ पढ़ाऊंगा आपको तो इसकी और डिटेल में जानकारी आपको दूंगा, बहुत सुंदर सुंदर जानकारी दूंगा। लीजिए ये अभी आ रहे या अभी आ रहे, दिख रहा है? उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपके अब क्लियर हो जाएगी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना 10 सेकंड का खेल होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। केवल ये ब्रांच जो यहां ऐसे 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 लटकी थी ना, इसको खोल के ऊपर पहुंचा दिया, अब यूं लग जाएगा। दिखाओ, इसके साथ इसकी सीरीज 2R, 2R के साथ R का पैरेलल 2R by 3, ये पूरी ब्रांच हो गई हमारी 2R by 3। थोड़ा तूफानी कर रहा हूं, हाँ जी, R और R की सीरीज 2R, 2R के साथ R का पैरेलल 2R by 3, मैंने तो दिया है ना शॉर्टकट आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जोड़ के भाग दे दो। सेम यहां R और R का पैरेलल 2R, सीरीज 2R, और ये ब्रांच भी 2R by 3। मानोगे कि नहीं मानोगे? अब सुनो, इस 2R by 3 के साथ इस R और इस R का सीरीज है, तो प्लस 2R और कर दो, 3 × 2 = 6, 8R by 3। यानी अब ये पूरी ब्रांच इधर से मैं समेटा यहां तक आने तक, ये पूरी वैल्यू इस आर और इस 2R by 3 का सीरीज निकाल के 8R by 3 हो गया। इस 8R by 3 के साथ इस 2R by 3 का पैरेलल, इस 8R by 3 जो पूरा के आया है उसके साथ इन दोनों को मिला करके, तीनों को निकाला था अभी 2R by 3, उनकी पैरेललिटी, तो इसके साथ R इक्विवेलेंट का निशाना हमने साध लिया है। 8R by 3 into 2R by 3, दोनों को गुणा करो और जोड़ के दे दो भाग, 8 × 2 = 10 R by 3। लीजिए 3 से 3 को खा लीजिए, 1 × 2 R उखा लीजिए, आंसर जाके चेक कर लीजिए, 8 × 2 = 16 R बटे 3 × 10। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 8 R/15, जाओ चेक करो आंसर आ गया होगा। अनुज बस केवल क्या था, जो ये पॉइंट यहाँ इसे चिपका हुआ था, इसको जैसे खोल दिया तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, आप खुद ही लगा सकते हो इसे। इसको नीचे जो बैठा था ये अच्छे चिपका पड़ा था ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक सर्किट था, सिमेट्रिक सर्किट में पॉइंट पोटेंशियल ऊपर से जाओ चाहे नीचे जाओ एकदम सिमिलर हो जाता है, तो सेम पोटेंशियल पॉइंट कहा जाता है। और बाकी जब किरचॉफ पढ़ाऊंगा तो डिटेल में डिस्कशन भी करूंगा। अगला सवाल 43 नंबर एग्जांपल भी है शायद आपका, तो उसका भी डिस्कशन हम आपको करते हैं, लेकिन इसको डिस्कस मैंने किया है। आज तरीका फिर वही होगा, क्वेश्चन फिर वही होगा, कंसेप्ट फिर वही होगा, बस लगाने का लहजा बदल जाएगा। याद होगा जब कैपेसिटर मैंने पढ़ाया था अनुज, तो भी एक घन लाए थे,
घन की 12 भुजाओं पर एक एक कैपेसिटर CCCC रखा था, आज बस अंतर आया ये है कि हर ब्रांच में एक एक रेजिस्टेंस डाला गया है। लेकिन क्या है, तुम इसके सोल्यूशन के चक्कर में पड़ गए हो और वही सोल्यूशन तुम्हें कर दिया है बर्बाद। सारे रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं? अभिमुख कोनों पर सब एक ओम के हैं। लीजिए, सभी रेजिस्टेंस एक ओम के हैं, सभी रेजिस्टेंस एक ओम के हैं, और कितने वोल्ट की? एक ही वोल्ट की बैटरी लगी है, क्या कहना। ये वही सवाल है जो मैंने कैपेसिटर में आपको बहुत दिल से बताया था, दो दो बार बताने का मौका मिला था, और आज रेजिस्टेंस में आ गए तो फिर खड़े हो गए आप जैसे विद्यार्थी। उम्मीद नहीं करता था कि आप हमें इस तरह धोखा देंगे। कोने चाहे जो हो, चाहे इस कोने से इस कोने को ले लो, चाहे इस कोने से इस कोने को ले लो। देखो, आपकी किताब में फिलहाल इस कोने से कोने को पैकअप कराया गया, तो क्योंकि ये तो आइडेंटिकल सर्किट होता है तो कोने से कोने का मतलब ही ना, डायगनल टू डायगनल, डायगनल टू डायगनल, चाहे आप इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, बनना वही है। सारे वन ओम के हैं, सारे वन ओम के। देखो, इधर से चले थे एक ब्रांच की तीन ब्रांच, हर ब्रांच आगे जाके दो दो ब्रांच, चाहे जहाँ जाइएगा चाहे जिस कोने को फॉलो करिएगा, और फिर आगे जाके फिर तीन का एक। तो हमने इसको जब कैपेसिटर में सिंप्लीफाई किया था तो क्या रजिस्टर में नहीं करूँगा? क्या मैं अपनी बताई तकनीक को भूल जाऊँगा? ये देखो, फिर हर ब्रांच की तीन, दो दो ब्रांच, हर ब्रांच की ब्रांच आगे जाकर के दो दो ब्रांच। देखिए, ये भी एक सिमेट्रिक सर्किट की ही फॉलोइंग है, और फिर आगे जाके हर ब्रांच एक एक ब्रांच में तब्दील हो जाएगी। आपको मैंने कैपेसिटर में यही सेम सीन बनाई थी, तो आज रजिस्टर में भी वही सेम सीन बना के जा रहा हूँ। उसमें सी सी थे, इसमें एक एक हैं। देखो, इस सर्किट को चाहे आप उधर से देखें, यानी राइट साइड से, चाहे लेफ्ट साइड से, इधर से झाँकें वैसे दिखेगा, इधर से झाँकें वैसे दिखेगा। यानी इस सर्किट को हम फिर से कह सकते हैं कि सिमेट्रिक सर्किट है, और जब ये सर्किट सिमेट्रिक है तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और जब सेम पोटेंशियल होता है तो उन तीनों पॉइंट को एक साथ मर्ज किया जा सकता है, एक साथ मिलाया जा सकता है। तो इनको अलग अलग ना कह के इनको ऐसे मिला लीजिए। जब मिल गए तो इन तीन का पैरेलल, इन तीन का पैरेलल, इन छह का पैरेलल, और फिर सबकी सीरीज, यानी कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा। एक 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 तीनों का पैरेलल 1/3, छह ठो पैरेलल में लगे हैं तो 1/6, और फिर तीन ठो पैरेलल में लगे हैं तो 1/3। अब इसका इक्विवेलेंट कोई भी चाहेगा तो एक झम से निकल जाएगा, 1/3, 1/6, अगेन 1/3, 6 LCM, ऊपर 5। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने गए तो 5/6। इनसे पूछा है यहाँ से कितनी धारा जाएगी, कुल धारा बताइए। परिपथ में पूछा है नगण्य प्रतिरोध वाली एक वोल्ट की बैटरी कोनों के बीच में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा, कुल धारा आई बराबर कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टेज बाबू आज एक है, एक है दिया ही है, कुल एक वोल्ट की बैटरी जोड़ी है। आई बराबर V/R, और R की वैल्यू 5/6 आई है। जाओ आंसर चेक करो, इस बैटरी से निकलने वाली कुल धारा 6/5 एम्पियर होगी। यह था क्वेश्चन नंबर 43, 6/5 एम्पियर स्विच से भुजा में धारा, ये कोई दूसरा सवाल है यहाँ का। चलिए, आपका सवाल पूरा हो गया है। आप अगर बैटरी से निकलने वाली धारा चाहते हैं, दिस इज द 1.2 एम्पियर। और कौन सा सवाल है? ये था क्वेश्चन नंबर 43। चलिए, 36 और 37 भी आपके इंतज़ार में हैं, दोनों सवाल मैं स्वयं डिस्कस करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो इन सवालों का डिस्कशन मैं कैपेसिटर के केस में कर चुका हूं, 37 नंबर जो एग्जांपल यहां पड़ा हुआ है, लेकिन रीडिस्कस हो जाएगा, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं। कुछ देर तो वीडियो चलेगा, 10-15 मिनट तो इसे चलना चाहिए ना। अगला सवाल, हमारे पास एक चित्र है, कितने वोल्ट की बैटरी? 190 वोल्ट की बैटरी है। ये एग्जाम्पल 36 है, हमें कभी 30 तक तो पहुँच ही गया था। अब ये वही सवाल है जो आज मैं खुद बताना चाहता था, मैं बताता उसके पहले हमारे चहेता स्टूडेंट ने इनको दिया भेज। हाँ, शिक्षक का पता, चहेता स्टूडेंट कौन होता है? शिक्षक अपने अपने जीवन काल में किसे पसंद करता है? जो बच्चे उसका दिया हुआ होमवर्क करते हैं। चाहे देख लें पूरे दुनिया का इतिहास है, चाहे पुराण उठा लो चाहे इतिहास उठा लो, शिक्षक का चहेता स्टूडेंट वही बनता है जो पूरे डिसिप्लिन, पूरे मैनर में रहते हुए, हाँ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, पता चले होशियार हो बदतमीज हो वह जूता खाता है। 75 ओम है,
और ये 50 ओम है और ये एक सर्व दिखाई नहीं दे रहा है 100 ओम है और यहाँ एक 150 वोल्ट की बैटरी 190 वोल्ट की बैटरी लगी है। क्या बात है, 190 वोल्ट की बैटरी लगी है। और प्रश्न उठा है, चित्र में दर्शाए गए 75 किलो ओम, 75 किलो ओम, तो इस प्रश्न में गलती लिखी हुई है, यहाँ 75 किलो ओम नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ओम है। किलो ओम कर देंगे पूरा आंसर गड़बड़ा जाएगा, फिर वो आंसर एम्पियर में नहीं आ सकता है, ठीक है, फिर मेरी एम्पियर में आएंगे, तो सब ओम ही हैं, वहाँ किलो ओम थोड़ी गलती से लिख गया है। तो देखो, इस बैटरी से चली हुई करंट, चाहे आप ऐसे ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जाके तीन ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब साफ है ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं। अगर मैं इसकी रीडिज़ाइनिंग कर लूँ तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको भी लगने लगेगा, एक फील आने लगेगा कि यार ये आसान सा सवाल मुझसे क्यों नहीं आया। अनुज, मैं इसे कुछ यूँ डिज़ाइन बनाता हूँ, देखो ये 100 ओम से जाने वाली करंट तीन जगह डिवाइड हुई, 50 75 50, और कुल 190 वोल्ट की बैटरी यहाँ आपने लगा दी। इसी डायग्राम का ये री डायग्राम है, यानी दोबारा बनाया हुआ डायग्राम है, ये है 100 ओम, बोला यहाँ की धारा बताओ। और आपको याद होगा हमने एक सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला आपको बताया है ना, अगर बताया तो इससे ये सर्किट जाना बहुत सरल काम है। कैमरे में आ रहा है, लो आ गया, बहुत आसान काम है इस सर्किट को डिजाइन करना। देखो ये चली और तीन जगह डिवाइड, चली और तीन जगह डिवाइड, हमें यहाँ का करंट चाहिए। तो मैं आपको टेक्नोलॉजी बताता हूँ, सबसे पहले काम करिए इस परिपथ की कुल धारा की व्यवस्था करिए, तो ही तय होगा मामला। I बराबर V बाई R, I बराबर V बाई R, सर्किट का कुल वोल्टेज 190 है, कुल प्रतिरोध हम लोग ओरल निकालेंगे, 50 के साथ 50 का पैरेलल 25 हो जाएगा, हाँ बराबर बराबर वैल्यू है, और 25 के साथ 75 का पैरेलल निकालना होगा, तो 75 × 25/100, 75/4, 75/4 के साथ 100 की सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 475/4। अभी भी कोई परेशानियाँ आती हैं, इसके साथ इसका पैरेलल टी 25, 25 के साथ 75 का पैरेलल 25, 75/500, और फिर उसके साथ इस 100 की सीरीज, यानी डायरेक्ट जोड़ दो 100, 400/75। तो ये हमारा था टोटल करंट, ये टोटल करंट जिस दिन बाबू इस 100 ओम के रेजिस्टेंस से पास होगी या भाड़ में जाओ, हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाले बैठे ना 75/4, तो यहाँ का वोल्टेज निकाल लें, यहाँ का ये वोल्टेज निकालने जाएंगे तो V बराबर IR, तो टोटल करंट हमारी आ गई है 190/475/4, ये टोटल करंट। और इस ब्रांच का ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, इन तीनों की इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस था 75/4, 4 से 4 खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ इससे ये कट जाएगा, नहीं कटेगा तो 25 जिंदाबाद है, 25 × 75, 25 × 25 19 बार चला जाएगा, और 19 से काटोगे तो ये 10 बार चला जाएगा, ओ हो 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 30 वोल्ट। देखिए भैया, 190 में से मैंने इनका इक्विवेलेंट फॉलो किया है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इसमें जाने वाली कुल धारा से गुणा कर दिया, तो हमें वोल्टेज पता चल गया कि यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, क्योंकि सचान सर की थ्योरी कहती है पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, तो सचान सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग पैरेलल में वोल्टेज इक्वल था। तो बाबू अनुज, अगर 75 ओम वाले की करंट का चाहते हैं आप, तो इस करंट का नाम I1 दे दीजिए, 75 ओम वाले की करंट का नाम I1 कह दीजिए। I बराबर V बाई R, V मेरा 75 है, आर वो मेरा 30 है, आई 75 है, आप भाग दे के देख लीजिए, आपका आंसर मैच होगा 0.04 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, मैंने कैमरे को फिर से वापस रिडायरेक्ट कर दिया है, इसको मैंने यहाँ जल्दी बना दिया था, मैंने पीछे बनाना चाहिए था, कहीं ना कहीं एक सवाल या दो सवाल और रह गए हैं, 20 मिनट में है या वीडियो चला होगा अभी तक, 20 हो गया होगा या 25 हो गया होगा, आप देख सकते हैं टाइम, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कि 25 मिनट तक लगभग अभी चला होगा।
क्वेश्चन नंबर 37। इस तरह के सवालों का फ्लेवर हमने आपको कैपेसिटर के चैप्टर में करवाया था, लेकिन मामला दुखी हो गया है। हमें आपसे दुख है बहुत कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं भैया। इस तरह के सवाल को मैंने कैपेसिटर में खूब दिल से, खूब मन से और खूब प्रैक्टिस के साथ बताया है। 2 ओम 3 ओम, 2 ओम 3 ओम, फिर यहाँ जंक, और फिर इसके बाद एक 12 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ रेजिस्टेंस 1-2 ओम का, 2 ओम 3 ओम, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, 4 माइक्रोफेरेड, 4 ओम, 6 ओम, और ये 1.6 ओम। प्रश्न है, संलग्न परिपथ में स्थायी अवस्था में 4 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा तथा 1.6 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज। बताया था अनुज हमने, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है, कि कैपेसिटर का नेचर होता है चार्ज को स्टोर करना। बेटा ये चार्ज को स्टोर कर लेगा तो यहाँ से चार्ज जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसने बोल भी दिया स्थायी अवस्था, तो इधर से कोई बैटरी में इस सर्किट में करंट एंट्री नहीं करेगा, इधर से भी एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि फुल चार्ज हो चुका है। और जब करंट की एंट्री बंद हो जाएगी तो ये दोनों रजिस्टर डेड हो जाएंगे। रखे रहो, चाहे खा लो, चाहे फेंक दो, लेकिन ये दोनों डेड हो चुके हैं। ये सर्किट का कोई काम नहीं है। आपका दिल करे तो इस सर्किट को उखाड़ के फेंक दो। क्यों उखाड़ के फेंकोगे? क्योंकि यहाँ से किसी भी तरह के करंट वर्जित है। मैंने कंसेप्ट आपको कैपेसिटर में एक नहीं कम से कम 5-7 सवालों का डिस्कशन किया हुआ है। वही सवाल ही आ गया है। बोला है 4 ओम की धारा बताइए। तो अब जब ये डेड हो गया है तो इसको यहाँ रख करके क्या फ़ायदा है? पूरा का पूरा सर्किट ही डेड है। इसको यहाँ से उखाड़ के फेंक दीजिए, हटाइए यहाँ से। अब तुमको पता है इस परिपथ की धारा के बाद ही सारा कुछ तय होगा। I बराबर V बाई R, सर्किट की कुल धारा चाहता हूँ जो इस परिपथ में बाहर बाहर घूमेगी। I बराबर V बाई R, V 12 है, 4 के साथ 6 की पैरेलल, 6 × 24/10, 2.4, 2.4 के साथ 1.6 की सीरीज 4 ओम, 4 के साथ 2 की सीरीज 6 ओम। परिपथ में बहने वाली धारा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यहाँ से निकलेगी। तो भाई साहब, ये वाले जो वोल्टेज रेजिस्टेंस भाई साहब हैं, ये वोल्टेज खा लेंगे। V बराबर IR, 2 एम्पियर है और R इनका 1.6 है। एक आंसर तो यही आ गया होगा। 1.6 ओम के शिरों पर वोल्टता पूछी गई थी, जो 3.2 वोल्ट होगी। अब यहाँ से धारा कुल आ रही है 2 एम्पियर। हमसे पूछा है यहाँ कितनी जाएगी। यहाँ सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत तूफानी है। शायद पिछली क्लास में किया था क्या, मुझे याद नहीं, क्योंकि 2-3 बैच पैरेलल चल रहे हैं, सब में बताया है। अगर आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला ना बताया हो तो हमें एक बार इंडिकेट करना, दोबारा बताऊंगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। अगर मुझे करंट I1 चाहिए तो I1 इज इक्वल टू टोटल करंट। अगर ये I1 चाहिए तो अपान अपोजिट साइड करें, ये सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला है, अपान दोनों का योग 10, 2×5 = 10, 1.2 एम्पियर। आप देख रहे हैं, इन सवालों को हमें उंगली भी नहीं करनी होती है तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसलिए टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो कब का खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। एक सवाल ये भी हो गया। बचा हुआ आखिरी सवाल आपके इंतजार में है अनुज, वही है। तो यार, स्टेडी स्टेट की कंडीशन दे रखा है, स्थायी अवस्था में संधारित्र पर आवेश। कैसे गंदे आदमी हो यार। मैंने यही बात आपको कैपेसिटर में बताई थी, आपसे उम्मीद नहीं करता हूं। मैं तो अब तक छोड़ दिया होता, लतिया दिया होता अगर क्लास में होते तो। मैं इन सभी सवालों को, इतना बढ़िया से प्रीमियम रेंज के क्वेश्चंस थे, प्रीमियम तरीके से हमने बताने की कोशिश की थी, लेकिन कैसे आदमी हो यार। इन सभी सवालों को मैंने कैपेसिटर में जाइए वहाँ इतना बढ़िया डिस्कशन किया है कि आपको कभी सोचने को और पढ़ने बताने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। कैपेसिटर के चैप्टर में एकदम एक्यूरेसी के साथ डिस्कस किया है इनको। 2 वोल्ट 2 ओम 2 माइक्रोफेरेड 4 ओम और ये 6 ओम। प्रश्न कह रहा है, समा प्रदर्शित चित्र में स्थायी अवस्था में दी गई धारा की गणना कीजिए। दी गई धारा, तो स्थायी अवस्था का मतलब कैपेसिटर जब फुल चार्ज होता है तो फुल चार्ज कैपेसिटर चार्ज लेना बंद कर देता है। तो यह रेजिस्टेंस इस सर्किट में, क्योंकि करंट नहीं पाएगा तो डेड हो जाएगा क्रॉस। तो इस परिपथ में जो धारा बह रही है I बराबर V बाई R, टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस 2 के साथ 6 की सीरीज 8। इस परिपथ की धारा पूछी गई थी 1/4 एम्पियर यानी 0.25 एम्पियर, और इसके बाद एक सवाल कैपेसिटर का चार्ज। ये 0.25 एम्पियर बाबू करंट यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर वोल्टेज के बारे में बात कर लो। V बराबर IR, तो IR 1.5 वोल्ट। हाँ जी, 6 ओम के क्रास जो वोल्टेज होगा AB के क्रास, वही वोल्टेज तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये तो डेड हो चुका है।
यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज पैरेलल में इक्वल होगा, कैपेसिटर का चार्ज चाहिए, क्यू बराबर सी वी, सी है दो, वी है डेढ़, 3 माइक्रो कूलम। और इसके कंसेप्ट में इसलिए मैंने तेजी से बता दिया है क्योंकि कैपेसिटर में बहुत टाइम दे देकर के आधे आधे घंटे का समय देकर के इन सवालों को मैंने बताया, लेकिन फिर वहीं से वहीं इसका मतलब कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुई थी। चलिए ये थे क्वेश्चन और यह था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की, वंदे मातरम। सवाल को करता हूँ खत्म, वीडियो को करता खत्म, अभी करता हूँ अपलोड और मिलेगा आपको 10 मिनट बाद।